हाय दोस्तों, बचपन में आपने कैरम की गिटियों से बहुत खेल खेला होगा। आज इन कैरम की गिटियों से ही मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं ये कैरम की गिटियां हमें क्या पढ़ा सकती हैं। आज इन कैरम की गिटियों की मदद से हम पूर्णांकों का योग करना सीखेंगे। मान लीजिए हम कैरम की काली गिटियों को नेगेटिव इंटीजर्स मान लेते हैं और कैरम की सफेद या पीली गिटियों को हम पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक सम है -3 + 4 क्योंकि कैरम की काली गिटियां माइनस वाली संख्याओं को दर्शाती हैं, इसलिए 1, 2 और 3 तीन काली गिटियों से हम -3 को दर्शा सकते हैं और +4 के लिए हम 4 सफेद गिटियां यहां पर रखेंगे। अब यह हमारे पास सवाल आ गया -3 + 4। अब हमें इसको हल करना है। हम एक काली गिटी और एक सफेद गिटी दोनों को एक साथ बाहर निकाल देंगे, फिर से एक काली गिटी और एक सफेद गिटी इनको बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से एक बार और से काली गिटी और सफेद गिटी इनके जोड़े को बाहर निकाल देंगे। लेकिन अब बाहर निकालने के लिए हमारे पास काली गिटी नहीं है, यानी एक रंग चाहे वो काला हो या सफेद, इस केस में काला रंग यहां से हट गया है। तो अब जो इस बोर्ड पर हमारे सामने बचा वो है हमारा उत्तर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास केवल एक सफेद गिटी बची। सफेद गिटी का मतलब प्लस वाली संख्या, पॉजिटिव इंटीजर। तो प्लस कितनी गिटियां बची हैं? एक। तो +1 यानी कि -3 और +4 इसे हल करके हमें प्राप्त हुआ है +1। इस प्रकार से कैरम की गिटियों का अलग अलग तरह से प्रयोग करके हम पूर्णांकों के जोड़ और घटाव को बड़े आसानी से खेल खेल में सीख सकते हैं।